गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग हेल्दी होंगे। और कल मैंने एक टास्क दिया हुआ था आपको, तो उम्मीद है वो भी आपने कंप्लीट करा होगा। टास्क क्या था कि आपको क्लास 8th का जो बुक था साइंस का, उसमें से एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को कंप्लीट करना था। अगर आपने ईमानदारी से करा होगा, उसको पढ़ा होगा, तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, हमने थोड़ी सी बातें करी थी, जिसमें कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। ठीक है, तो या फिर केमिकल इंडिकेटर्स हमने उनको बोला हुआ था। तो ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और हमने ये देखा था कि कैसे टर्मरिक पाउडर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बेसिस का। एसिड के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं टर्मरिक पाउडर के साथ में, क्यों? क्योंकि शायद एसिड के साथ में टर्मरिक पाउडर वैसा रिएक्ट ना करता हो, वैसे कलर चेंजेस नहीं करता हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं एक फन फैक्ट टाइप का कुछ दिया हुआ है, ये जो बॉक्सेस दिए होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। कह रहा है लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो दो कलर के पेपर आते हैं, एक तो रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। लेकिन लिटमस सॉल्यूशन की बारे में बात करें, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, इट इज़ अ पर्पल डाई। ये पर्पल कलर का डाई होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ था कि लाइकेन में दो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, दो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, उनको कलेक्टिवली हम लाइकेन्स बोलते हैं। वो कौन से दो ऑर्गेनिज़म्स थे आपको रिकॉल करना है उसको। ठीक है, तो अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, तो प्लांट्स का डिवीजन हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, उसमें थैलोफाइटा करके एक डिवीजन था, एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ठीक है, तो लाइकेन्स के बारे में दो चीज़ें। पहली बात तो लाइकेन्स के अंदर दो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और दूसरा, ये जो प्लांट की कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं वो है थैलोफाइटा, एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल। तो ऑब्वियसली वो जो आपका सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर पर्पल ही था। तो अगर मैं एसिड और बेस दोनों के साथ में ही इनको नहीं रख रहा हूँ, दोनों के साथ में ये कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो ये अपने ओरिजिनल कलर में रहता है। और वो ओरिजिनल कलर क्या है? पर्पल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। तो उसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक तो रेड, दूसरा ब्लू, और थर्ड पर्पल, और फोर्थ रेड एंड ब्लू, ऐसा करके ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो कई सारे लोग जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि लिटमस पेपर के बारे में बात कर रहा है या फिर लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन हमें याद रखना है कि लिटमस सॉल्यूशन जो है एक तरीके का सॉल्यूशन है, एक तरीके का सॉल्वेंट है, और वही लिटमस पेपर है वो एक तरीके का पेपर है। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। पेपर जो होता है वो दो कलर के होते हैं, एक ब्लू और एक रेड, और जो सॉल्यूशन होता है वो सिंगल कलर का होता है, वो है पर्पल कलर। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज के जो लीव्स होते हैं वो भी एक अच्छा नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है। टर्मरिक ऑब्वियसली हमने पढ़ा ही हुआ है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजी, पिटूनिया एंड गेरेनियम, इनकी जो स्पेलिंग है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। मेरा मुझे सर्टेन नहीं है कि मैं जो जैसा प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पर भी हमें ध्यान देना है। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमारे आसपास में ऐसे वेजिटेबल्स या फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हेल्प से हम जो है एसिड्स और बेसिस का को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। तो इन इंडिकेटर्स को कभी कभी एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ इन बिटवीन में कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब।
कैसे पता करेंगे? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास में क्लास एट की बात करें तो क्लास एट में इस तरह का एक क्वेश्चन था कि जिसमें हमारे पास में एक रेड कलर का लिटमस पेपर था, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ रेड कलर का एक लिटमस पेपर हुआ करता था और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर हुआ करता था। इन दोनों का यूज़ करके हमें बताना था कि तीन सॉल्यूशन दिए हुए थे, ठीक है, और तीनों को आइडेंटिफाई करना था कि तीनों में कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर होता था तो बहुत इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रेड ही इंडिकेटर है, उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है या फिर इसके पीछे आपको अपना दिमाग खर्च करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, बेसिकली ये टॉपिक, पहला टॉपिक एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टी का यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के बारे में या फिर आइडेंटिफाई करने के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो इसमें भी ऑब्वियसली एक्टिविटीज से ही सारे टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं हमारे ये साइंस के बुक्स में, तो वही स्टार्ट करते हैं। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका नाम है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये केमिकल्स जो है इकट्ठा करने हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशंस ऑन अ वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर शोन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.1 में क्या दिया हुआ है, जो सैम्पल सॉल्यूशन जो ऊपर के जो भी केमिकल्स थे उनको एक बार रेड लिटमस सॉल्यूशन के थ्रू लेके जाना है, उसके साथ में रखना है, या फिर एक ड्रॉप रेड लिटमस सॉल्यूशन का डाल देना है, फिर ब्लू लिटमस के साथ में भी ऐसे ही देखना, चेक करना है कि क्या कलर चेंज हो रहा है या नहीं, फिनोथलीन के साथ में ऐसे ही देखना है और मिथाइल ऑरेंज के साथ में देखना है। तो टोटल जो है हमारे पास में चार इंडिकेटर्स हैं, इन चारों इंडिकेटर्स का यूज़ करना है इन सारे केमिकल्स के ऊपर। कौन कौन से केमिकल्स हैं, एक तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, NaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारे केमिकल्स के साथ में आपको ऑब्वियसली आप तो ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि H2SO4 या HCl के बारे में अगर हम बात करें तो HCl जो है रेड लिटमस के साथ में रिएक्ट करके कौन सा कलर चेंज करता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, ब्लू के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, और फिनोथलीन के साथ में कैसे क्या काम करता है, और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसे करता है। तो ऐसे सभी के इस बारे में आपको एक ये टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। टेबल ज़रूर कंप्लीट करना, इससे आपकी ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चीज़ों को लेके, ठीक है। फिर आगे कह रहा है व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशंस टेकन, टेबलेट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। ऑब्वियसली इस टेबल को कंप्लीट करना है, ऊपर के जितने भी केमिकल्स लिए हुए थे उन केमिकल्स के साथ में, ठीक है। तो ये टेबल ज़रूर कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। आगे कह रहा है दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाई चेंज इन कलर। देर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। देखो क्लास एट तक तो हमने बस यही पढ़ा था कि इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना कलर चेंज करते हैं एसिड के साथ में, बेस के साथ में, या फिर सॉल्ट के साथ में, या जनरली एसिड या बेस के साथ में हम सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास टेन में हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड के साथ में अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, या फिर बेस के साथ में अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, मतलब अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर्स जो अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं एसिड के साथ में या फिर बेस के साथ में,
इस तरह के इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो हमने अभी तक क्या देखा था, एक तो कलर चेंज वाला देख लिया और दूसरा ऑर्डर चेंज वाला भी देख लिया। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो कह रहा है, इसको पढ़ते हैं, अगला एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवर नाइट इन द फ्रिज। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या कह रहा है, बेसिकली जो जो क्लोथ के स्ट्रिप्स थे, उन स्ट्रिप्स के ऊपर जो प्याज था, अनियन था, उसका रस चला गया, या एक तरीके से वो थोड़ा सा प्याज जैसा बिहेवियर शो करेगा अब, ठीक है। तो टेक टू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। पहली बात तो ये कि सबसे पहले इन स्ट्रिप्स को बाहर निकालना है फ्रिज से, और फिर इनका ऑर्डर एक बार स्मेल करके देखना है कि इनका ऑर्डर कैसा है, ठीक है, और उसको याद कर लेना है कि वो ऑर्डर कैसा था। कीप देम ऑन अ क्लीन सर्फेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑन द अदर। तो मैं जो स्ट्रिप्स मैंने यूज़ किया हुआ था अनियन के साथ में, उनमें से दो स्ट्रिप निकालना है और उनका ऑर्डर पहले स्मेल करना। ऑब्वियसली हर एक स्ट्रिप का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होगा, बस किसी का हल्का होगा, किसी का ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन ओवरऑल सभी का एक बराबर जैसा ही होगा, ठीक है। फिर एक स्ट्रिप के ऊपर अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, हमें याद होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक तरीके का एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस है। तो दूसरे स्टेप पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालना है। रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, ठीक है। अब इन दोनों क्लोथ के स्ट्रिप्स को पानी से धुलना है, उसके बाद वापस इनके ऑर्डर को स्मेल करना है, इन दोनों कपड़ों को स्मेल करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, इनको ऑब्जर्व करना है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर्स। इन द सेम मैनर हमें कुछ थोड़ा सा डाइल्यूट वनीला एसेंस लेना है और क्लोव ऑयल भी लेना है और इनके ऑर्डर को स्मेल करना है। टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अनदर। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी। तो क्या करना है, जैसे हमने अनियन के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, अनियन का स्मेल हमने एसिड के साथ में और बेस के साथ में चेक किया, इन द सेम मैनर वनीला एसेंस का भी हमें चेक करना है एसिड के साथ में और बेस के साथ में, और इन द सेम मैनर क्लोव के साथ में भी करना है, क्लोव ऑयल के साथ में भी करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो हमें जो है, हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज वनीला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली कोई एक ऐसा सबस्टेंस है जिसका ऑर्डर ना ही एसिड के साथ में चेंज हो रहा है ना ही बेस के साथ में चेंज हो रहा है, उसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन किसी का भी अगर स्मेल चेंज हो रहा है, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ में ही चेंज हो रहा हो या फिर चाहे सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ में ही चेंज हो रहा हो, हम क्या करेंगे, उसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए एसिड्स के और बेसिस के। आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।